फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आज का चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ पिरामिड्स। ठीक है, और ये है चैप्टर आपका 1.5। ठीक है, एक मिनट, चैप्टर नंबर है 1.5, पेपर फर्स्ट का ये टॉपिक है। ये आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके आगे का, इससे पहले का 1.4 चैप्टर जो है वो कल मैं पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, प्रिमेट्स क्या मीनिंग क्या है वो। फिर पढ़ेंगे हम अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिमेटोलॉजी। ठीक है, फिर कॉमन जो प्रिमेट के ट्रेड्स हैं वो क्या क्या है वो, फिर उसके क्लासिफिकेशन, फिर उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर कितने टाइप के होते हैं, मतलब वेरियस प्रिमेट्स, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल एडेप्शन के साथ उसका, और फिर ह्यूमन ट्रेड्स में। ठीक है, ये सारा आज हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जितना हो पाएगा, जितना भी है वो मैं आज पूरा, ये आपका टॉप टॉपिक जो है ये मैं आज पूरा कंप्लीट कराऊंगी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिमेट्स होते क्या है, ये मैमल्स होते हैं, टॉक्सिक ऑर्डर है। ठीक है, प्रिमिट्स अराइज 85 to 55 million ईयर एगो फर्स्ट फ्रॉम द स्मॉल टेरेस्ट्रियल मैमल्स। ठीक है, कब हुए थे, आज से 80 से 85 million ईयर्स पहले। ठीक है, विच अडेप्ट टू लिविंग इन द ट्री ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मैनी प्रिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट अडेप्शन टू लाइफ इन देयर चेंजिंग एनवायरमेंट। ओके, ड्यूरिंग इंक्लूडिंग द लार्ज ब्रेन विजुअल कलर विजन शोल्डर अलाउंग ए लार्ज डिग्री ऑफ मूवमेंट इन द शोल्डर जॉइंट हैंड प्रिमिट साइज इन प्रिमिट रेंज इन साइज फ्रॉम द माउस विच वेट इज ए 30 gram इज वर्स्ट वन ओवर दैट टू द ईस्टर्न गोरिल्ला वे ओवर द 2200 kg। There are the 190 to 488 species of the living primates, depending on their on which classification is used. जो नई primate species थी वो continue to be discovered over the 25 species will describe in 2000s. ठीक है, and 11 since 2001. ठीक है, 2010 तक भी इनकी discovery जो है वो चली रही है species की, new primate species की। तो हमने इसमें क्या बताया, पहली बार जो प्रिमिट से कब अराइज हुए थे, आज से 85 to 55 million ईयर्स अगो पहले की ये बात है। ठीक है, जब ये कहाँ अडेप्ट करते थे, लिविंग से ट्री पे रहते थे ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के। ठीक है, इनमें कलर विज, ये इनका अडेप्शन जो है वो चेंज होता रहता था अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। ठीक है, लार्ज ब्रेन हो गया, ठीक है, कलर विजन हो गया, शोल्डर हो गए, शोल्डर ज्वाइंट्स हो गए। ठीक है, ये सब होता है। इनका वेट जो होता था वो 30 grams भी होता था ओवर द 200 kg। ठीक है, हर स्पीशीज जो है, देयर आर द 190 to 480 स्पीशीज ऑन लिविंग पिरामिड्स में, इससे इतनी स्पीशीज थी, और डिपेंडिंग ऑन विच क्लासिफिकेशन इज यूज, और आप उस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गए पिरामिड्स। ठीक है, अब आते हैं प्रिमेटोलॉजी। ठीक है, द गोल ऑफ स्टडी is to understand how different primates have adapted automatically and behaviorally to the environment. ठीक है, कैसे, मतलब वो automatically या behaviorally कैसे environment में adapt हो रहे हैं different type के primate, उसकी study को हम क्या बोलते हैं, primatology. The result of such studies may help us to understand the behavior and evolution of the human pyramids. ठीक है, अब कुछ common traits हैं, all pyramids belong to the class mammalia. ठीक है, and they share all common features of mammals. ठीक है, किसके features share करते हैं, mammals. Human are, एक mammal है, since mammals are covered with a dense hair
और फर, ठीक है। मैमल आर द वार्म ब्लडेड, ठीक है, गर्म खून, एंड द बॉडी टेम्परेचर इज मोर और लेस कॉन्स्टेंटली वार्म एंड यूजली हायर देन दैट ऑफ द एयर अराउंड ऑफ देम, ठीक है। मैमल्स क्या है, वार्म ब्लडेड है। ये तो शायद आप लोगों ने पहले भी, मतलब अगर किसी ने के पास पहले बायो रही होगी तो उसने जरूर पढ़ा होगा कि मैमल्स आर द वार्म ब्लडेड, ठीक है। कॉमन ट्रेट, ऑलमोस्ट ऑल मैमल गिव ए बर्थ टू न्यू यंग, हर मोस्टली जितने भी मैमल्स हैं वो कोई ना कोई एक मैमल जो है यंग वन को बर्थ देता है। डेवलप्ड कंसिडर साइज विद इन द मदर एंड आर नरिश्ड बाय फ्रॉम सकिंग देयर मदर मेमरी ग्लैंड, ठीक है। एंड यंग देयर रिलेटिवली यंग द यंग हैव ए रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ डिपेंडेंस ऑन द अडल्ट आफ्टर बर्थ, ठीक है। फिजिकल फीचर्स में क्या है, मैनी स्केलेटल फीचर्स ऑफ प्रीमेट्स रिफ्लेक्ट द एग्जिस्टेंस। एरिया एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बोन आर द ग्रेट सपोर्टर ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली बोन जो होती है वो आपकी बॉडी के बहुत अच्छे सपोर्टर होते हैं, ठीक है। द लिम्स आर फ्लेक्सिबल, बिल्ट टू विदस्टैंड बोथ पुशिंग एंड पुलिंग फोर्स, ओके। Also give the great freedom of the movement, allowing their shoulder to move up and down and back and front. ये जो है वो primates के को freedom provide करती है, किसके लिए, कि वो अपने shoulder को move कर सके up and down and back and front, जिससे मतलब उनकी पूरी body जो है वो easily move हो सके। ये क्या है, ये चीज जो है वो उसको provide करती है, ठीक है। अब फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, जैसे ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, है ना। ओमनीवोरस क्या है, ईट ऑल काइंड ऑफ फूड, वो हर तरह का फूड जो है वो ईट कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, इंक्लूडिंग द इंसेक्ट, स्मॉल एनिमल, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रास रूट, ये हर तरह का जो है फूड को जो है इनटेक कर लेते हैं। उनका द टीथ ऑफ पिरामिड्स इज मोलर एंड प्री मोलर फॉर च्यूइंग, ठीक है। जो फ्रंट टीथ है वो यही होते हैं, ठीक है, जो आपने पहले भी, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाए थे, आर स्पेशलाइज इन द नॉर्मल पिरामिड्स। ऑल पिरामिड्स हैव द ऑप्लेस थम्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब चीजें उनमें प्रेजेंट होती है। ये क्या है, इनके फीचर्स हैं, ठीक है। अब फिजिकल फीचर में और क्या है, मोस्ट पिरामिड विजन आर करेक्टराइज एज ए स्टेटोस्कोपी और डेप्थ विजन। लार्ज ब्रेन रिलेटिवली टू बॉडी साइज, बॉडी साइज के से कंपेयर किया जाए तो उनका ब्रेन साइज होता है वो ज्यादा होता है। प्रिमिटिव्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल हैव द पीनस एंड ऑलमोस्ट द फीमेल ऑफ मोस्ट प्रिमिट्स हैव टू निपल इन द चेस्ट, ठीक है। यूट्रस इज कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड द सिंगल फीटस ओनली, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिजिकल फीचर और कॉमन ट्रेट्स में और भी चीजें, जैसे फॉरवर्ड फेसिंग आई होगी, हाथ और पैरों में चीजों को पकड़ने की कैपेसिटी होगी, रोटेटिंग फॉरआर्म होंगे, ठीक है, रिलेटिवली लार्ज ब्रेन होगा, रिड्यूस इन द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, प्राइमरी विजुअल एरिया जो होता है वो भी कम होगा। सोशल फीचर में क्या, अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से प्रिमिट एज डिस्क्राइब एज ए डायुनल, ठीक है, डेवलप मैनी पैटर्न ऑफ द सोशल बिहेवियर, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, प्रिमिट इट्स ए लर्न प्ले, ठीक है, एंड लर्निंग फॉर अदर्स। ये क्या था, ये आपका सोशल फीचर्स है, ठीक है, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल रिलेशनशिप बिगिन विद द मदर एंड अदर अडल्ट ड्यूरिंग द वेरी लॉन्ग डिपेंडेंसी पीरियड ऑफ प्रिमिट्स। किसके बीच में होता है सोशल रिलेशनशिप, पेरेंट मदर या मदर और उसकी किसी भी अडल्ट के बीच में, ठीक है। द प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी ऑफ द इन्फेंट मंकी एंड पी प्रोबेबली ऑफर एज एवोल्यूशनरी डिसएडवांटेज, ठीक है। तो जो मंकी है एंड एपे, ठीक है, इस पे क्या है, द प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी ऑफ इन्फेंट मंकी एंड एपे प्रोबेबली ऑफर एज एवोल्यूशनरी एडवांटेज। चलो नेक्स्ट है, प्रिमिट्स एट ए प्ले, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, लाइक
हार लो दे प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोशल लर्निंग इन यंग प्रिमिट। उन्होंने एक आपको एक्सप्लेनेशन दिया है किसके ऊपर, जो यंग प्रिमिट्स है उनके सोशल लर्निंग के ऊपर। प्ले इज इम्पोर्टेंट रोल ऑफ लर्निंग, प्ले एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ है आपको किसी भी चीज के लिए लर्न करने का। इट प्रोवाइड ए प्रैक्टिस फॉर द फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर यूजफुल इन अडल्टहुड। ओके, लर्निंग फॉर अदर अमंग ह्यूमन चिल्ड्रन इमिट अदर्स एंड अडल्ट ऑफन टीच टू यंग। ये देखिए क्यूट लग रहा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है ये, एक ही चीज है लेकिन कैसे अलग 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 सब दिख रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है प्रो सी मीनियाज, प्रो सी मीनियाज दे डिपेंड मच ऑन स्मेल फॉर इंफॉर्मेशन देन डू एंथ्रोपोडाइट्स। ठीक है, किस पे डिपेंड करते हैं, स्मेल पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। दे टिपिकली हैव ए मोर ईयर मोबाइल ईयर्स लॉन्ग एंड रिलेटिवली फिक्स फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, कान जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, उनका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को ग्रैप करना। ल्यूमन लाइफ फॉर्म्स दे आर द कोडरूपेड्स। ठीक है, द मोड ऑफ लोकेशन इज ए वर्टिकली। ठीक है, इनकी लोकेशन का मोड क्या है, लोकोमोशन का मोड क्या है, मोड क्या है, वर्टिकल, वर्टिकल क्लिंगिंग। ठीक है, दे आर यूजली वेजिटेरियन, ये मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं, ये फ्रूट्स ईटर होते हैं, लीव्स को खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, ठीक है, ये सब चीजें खाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर द सॉरी दे आर मोस्टली लिविंग विद 60 मेंबर्स, ये अप्रोक्सीमेटली 60 मेंबर्स के साथ ही रहते हैं। मोस्ट ऑफ फीमेल आर डोमिनेंट देन मेल, मेल से ज्यादा फीमेल जो होती है वो डोमिनेंट होती है, पर्टिकुलरली ओवर एसेस ऑफ फूड। ठीक है, ये देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें फीमेल जो होती है वो ज्यादा डोमिनेंट होती है एज कंपेयर टू मेल। लोरा इज लाइक फॉर्म दे आर मोस्ट, ये दो तरह के वो होते हैं, दे आर ऑल, ठीक है, दे आर मोस्टली फाउंड इन द बोथ साउथ ईस्ट एशिया एंड सब अफ्रीका। ठीक है, या तो ये दोनों जो है मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं आपको, साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में। ठीक है, सब डिवाइडेड एज ए लॉरिस एंड गैलगोस, कल बताया था मैंने। देयर लोकोमोशन इज ए मोरली लाइट ऑन द हुपिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, फीमेल एडल्ट एंड चिल्ड्रन स्टे टूगेदर दस मेल डिसअपियर। इसके अंदर फीमेल और जो बच्चे होते हैं मतलब चिल्ड्रंस होते हैं वो एक साथ रहते हैं, बट मेल जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो ठीक है डिसअपियर हो जाते हैं या डिस्पोज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज होती है लेविस लाइक फॉर्म में, घेरे वो इनमें, इनके अंदर जो फीमेल और उनके बच्चे हैं वो साथ रहेंगे, मेल जो होते हैं वो हट जाते हैं, इनका लोकोमोशन जो है वो होपिंग है ऑन द ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद सब डिवीजन मैंने आपको बता दिया कहाँ पे मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया एंड सब अफ्रीका में फाउंड होते हैं ये। ठीक है, फिर आते हैं टारसीदार, चार ये भी वही है, लिविंग ट्री लिविंग है, फाउंड होते हैं इन द आइलैंड ऑफ फिलीपींस एंड द इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के आइलैंड पे, फिलीपींस पे मिलते हैं। यूजली इंसेक्ट ईटर है, समटाइम कैप्चर करते हैं और छोटे एनिमल्स को, लिजार्ड्स वगैरह को ये खा जाते हैं। ठीक है, क्या है ये, इंसेक्ट ईटर। दे गेट देयर नेम फ्रॉम द इलॉन्ग्रेटेड टार्सल बोन। ठीक है, मेल और फीमेल सिंग टूगेदर एट नाइट इन ऑर्डर टू एडवर्टाइज देयर टैलेंट। इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, सिंग करते हैं एक साथ, कब, वो भी नाइट में। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लासिफाइड इनटू दो में होता है, इंक्लूड द ह्यूमन एंड
लॉरिस एंड इंक्लूड द एंथ्रोपोडाइस, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। एंथ्रोपोडाइस, एंथ्रोपोडाइस द सब ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंथ्रोपोडाइस इंक्लूड द ह्यूमन एप एंड मंकी। इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? ह्यूमन मतलब हम लोग, मंकी हमारे पूर्वज, एंड ठीक है, इसके अंदर ये तीन चीज आती है। द शेड कॉमन सेवरल ट्रेट्स इन द वेरिंग डिग्री, राउंडेड ब्रेन केस, रिड्यूस नॉन मोबाइल एरिया ईयर, रिलेटिवली स्मॉल एंड फ्लैट सरफेस, ठीक है, दे हैव हाईली इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनका जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये दो में डिवाइड होते हैं, एंथ्रोपोडाइज, ठीक है, फाइटोरियनियास, ठीक है, एंड कैटारिनियास, ठीक है। ये फाइटोरियनियास क्या है, बॉड फ्लैट नोज होती है, फ्लैट ब्रिज शेप की नोज होती है, नोस्ट्रल फेसिंग जो होती है वो आउटवर्ड होती है। मंकी जो होते हैं यूजली कहाँ पे मिलते हैं आपको, न्यू वर्ल्ड में, इन सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका में, ये है फ्लैट फ्लैट वाले, ठीक है, फ्लैट वाले। एंड कैट वाले क्या है, नैरो नोज होती है विद नोस्ट्रल फेसिंग डाउनवर्ड, दीज इंक्लूडिंग द मंकी ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है, जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, एज वेल एज ए ह्यूमन, ठीक है, तो इस तरफ मिलते हैं। और ये फ्लैट वाले जो है वो सारे के सारे जो है वो नए वो न्यू वर्ल्ड में मिलते हैं, लाइक ए सेंट्रल एंड द साउथ अमेरिका। ये देखो इनकी नोज जो है वो फेसिंग अपवर्ड और इनकी नोज जो है फेसिंग डाउनवर्ड, ठीक है। एंथ्रोपोडाइज ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो है रिलेटिव मोर क्लोजली टू द ह्यूमन देन टू द न्यू वर्ल्ड मंकी, ठीक है, ये किससे बहुत ज्यादा क्लोजली होते हैं, ह्यूमन से मतलब हम लोगों से। फॉर एग्जाम्पल न्यू वर्ल्ड मंकी जो है दे पोजेस द थ्री प्री मोलर देन द ओल्ड, ठीक है। ये जो इसमें दो मेन फैमिलीज हैं वो है मारोसेट्स एंड द ट्रेमेनियास, ठीक है, ये इसकी दो मेन फैमिलीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद एब्सेंट ह्यूमंस जो है जिसमें होमिनॉइड्स में आते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं अपने अलग तीन ग्रुप में। इनमें बहुत ज्यादा आपको डिवीजन मिलेगा, हर एक का अपना अलग अलग डिवीजन है, ठीक है। एक तो आएगा हेलो बैट्स, ठीक है, फिर आएगा पोंगेट्स, फिर आएगा होमनियट्स, ठीक है, हेलो बैट्स ये रहे, पोंगेट्स ये रहे, एंड होमनियट्स, इसलिए क्योंकि किसके शेप में, किससे मिलते जुलते, ह्यूमंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन ट्रेट्स क्या होता है, ठीक है, फिजिकल ट्रेट में आओगे, ओनली कॉमन कॉन्स्टेंटली वॉक इरेक्ट ऑन द टू फीट, ठीक है, दो पैरों पे चलते हैं। कंपेयरिंग विद द अदर एंथ्रोपोडाइट्स वॉक ऑन द टू फीट बट ओनली फॉर द शॉर्ट पीरियड, वॉक तो करते हैं अपने टू फीट पे बट लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। ऑल अदर प्रीमेट्स रिक्वायर थिक हैवी एंड मस्कुलेट टू होल्ड देयर हेड इरेक्ट, ह्यूमन मिस दिस थिक मस्कुलेट ओवर हेड एंड बैलेंस ऑन टॉप ऑफ अवर स्पाइनल कॉलम्स, ठीक है। The human brain is more larger than of the ape. ऐप से ज्यादा किसका ह्यूमन ब्रेन ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ह्यूमन आर, एक सेकेंड, ह्यूमन में इंगेज टू सेक्स एवरी टाइम ऑफ द ईयर, ऐप एंड अदर पैंगनॉइड ओनली इंगेज ऑफ द पीरियडिकली, ये पीरियडिकली ही इंगेज होते हैं। और ह्यूमन जो है every time every time of the year, ठीक है। behavior trait में आएगा tool making and और दूसरा आएगा language, behavior trait ये दो में आते हैं, tool making
एंड सेकेंड इज लैंग्वेजेस। अदर ह्यूमन ट्रेट्स, ह्यूमन आर द वन ऑफ द प्रिमिट्स हु आर, ठीक है ये भी एक प्रिमिट्स में आते हैं। ह्यूमन हैव अ लॉन्गेस्ट डिपेंडेंसी पीरियड ऑफ एनी प्रिमिट्स, रिक्वायर एक्सटेंसिवली पेरेंट केयर अप टू द 20 ईयर्स, ठीक है। ह्यूमन हैव सिस्टम ऑफ इन हैविंग डिवीजन ऑफ ए लेबर ऑफ जेंडर इन फूड गेटिंग एंड फूड शेयरिंग इन अडल्टहुड। ह्यूमन हैव मोर जेंडर रूल स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन, ह्यूमंस का क्या है, ज्यादा है जेंडर रोल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब आते हैं सिस्टमैटिक एंड द साइंस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द टू मीन बाय विच साइंटिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, क्लासिक टैक्सोनॉमी, ठीक है। फाइलोएंथ्रोपोलॉजिस्ट आर ट्रेन इन द इवोल्यूशनरी थ्योरी एंड बोथ बायोलॉजिस्ट, ठीक है, रिलाइफ ए प्रिंसिपल अपॉन द किसके बेसिस पर उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया। देयर डिफाइंड ए यूटिलिटी यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिस्टम, दोनों सिस्टम के कॉम्बिनेशन में, दैट इज द बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें आप बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर क्यों बोला, जिसमें हम जीनस एंड स्पीशीज का दोनों को यूज करेंगे। ऑफ द क्लासिकल टैक्सोनॉमी कंबाइंड विद द कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ द स्पीशीज इन द टर्म ऑफ द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो क्या है इसके, किसके बेसिस पे, इसमें साइंटिस्ट ने किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, क्लासिक टैक्सोनॉमी के बेसिस पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो ट्रेंड है किसमें, इवोल्यूशनरी थ्योरी में, और वो भी इवोल्यूशनरी थ्योरी एंड बोथ बायोलॉजिस्ट में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दे आर डिफाइंड यूटिलिटी फॉर यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिस्टम, दोनों सिस्टम के, दैट इज द बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर, किसमें क्या यूज होता है, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन जो है, प्रिमिटिव दैट इज अ मेंबर ऑफ ऑर्डर प्रिमिट्स शो द वेरियस ऑर्डर एनिमल विद इन द क्लास ऑफ मैमिलिया, इस क्लास में बहुत सारे ऑर्डर वो शो कर सकता है। वी आर द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द ट्री, ठीक है। प्रिमिट आर द डिस्टिंग्विश्ड बाय द सूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स नोन एज द इवोल्यूशनरी ट्रेट, वी डू नॉट एग्जिबिट ऑल ऑफ दैम द सेम डिग्री एंड सम आर द एबसेंट इन द सर्टेन स्पीशीज, कुछ स्पीशीज के अंदर ये बिल्कुल एबसेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोमोसिनाम्स रिटेन ए क्लो ऑन द सेकेंड डिजिट ऑफ देयर फीट, वेयर एज एंथ्रोपोडाइट्स डू नॉट, मोर अबाउट द टू प्रिमिटिव ग्रुप टूगेदर, ठीक है। जो ये प्रिमिटिव्स है वो डिवाइड करते हैं दो टैक्सोनॉमिक ग्रुप में, ठीक है। एक ग्रुप ये, द प्रिमिटिव्स आर डिवाइडेड इन टू मेजर टैक्सोनॉमिकल ग्रुप व्हिच रिटेन द प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, सच एज ल्यूमर ऑफ मेडागास्कर, ठीक है। ऑफ कहां पर मिलता है मेडागास्कर, अफ्रीका में, एंड द मोर ड्राइव्ड हेलोफिन्स दे आर द मंकी and apes, the older term of the suborder that are the still in the popular use of anthropodians, किसके लिए popular use है, anthropodian, ठीक है। ये देखिए, ये आपका classification है जिसको आप easily याद करके रख सकते हैं, आपको easy रहेगा primates का, ठीक है। primates, anthropodians, ठीक है। फिर इसमें अलग class division हुआ ल्यूमोफॉर्म्स का एंड ट्रांसिफॉर्म्स का, एक नया वर्ल्ड और पुराना वर्ल्ड एंथ्रोपोडाइट्स में, ठीक है। उसके बाद वही ट्रांजियस ल्यूमर्स में डिवीजन हुआ, न्यू वर्ल्ड का न्यू वर्ल्ड मंकी में डिवीजन हुआ, ओल्ड वर्ल्ड का भी दो में डिवीजन हुआ, ओल्ड वर्ल्ड मंकी में और मैंस में, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा चार्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिमिट्स, ठीक है। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे अगर आपको याद होगा तो आपको ये थ्योरी बना के लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें बहुत इजी उभर जाएंगी, तो इसलिए आप ये पूरा चार्ट, क्योंकि यहाँ देखो जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ शुरू हुआ, तो यही सब चीजें हैं जो वहां पे मैंने आपको एक
फ्लो चार्ट टाइप में मैंने आपको बना के दिया है, तो उससे आपको इजी रह जाएगा चीजें समझने में, ठीक है। पिरामिड्स आर द मेंबर ऑफ द मेमिलियम ऑर्डर पिरामिड्स विच इंक्लूड द, ये सब इंक्लूड्स होते हैं ह्यूमंस में, ये देखो सब इंक्लूड्स होंगे। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर द मेनी टाइप ऑफ पिरामिड इन द टर्म ऑफ द साइज, हर साइज में बहुत सारे टाइप के पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, द स्मॉलेस्ट बींग इज ए माउस एंड लार्जेस्ट इज एडल्ट मेल, ठीक है, गोरिल्ला, तो छोटे में एक चूहा, बड़े में गोरिल्ला, ठीक है। ये इस टाइप के दो साइजेस प्रेजेंट होते हैं, है ना, पिरामिड में। दे आर द मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड, बहुत सारे टाइप के पिरामिड्स होते हैं, उनके कुछ फिजिकल अपीयरेंस सबके अलग होते हैं, हेयर में, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर्स में वेरी विद वेरी विद ईच डिफरेंट स्पीशीज, इवन दो द पिरामिड्स आर द क्वाइट डिफरेंट, दे डू नॉट हैव अ लॉट इन कॉमन, दे हैव अ लॉन्गर आर्म, किसी के लंबी हाथ होते हैं, किसी के लंबे पैर होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल, ऐसा किस्म होता है एनिमल में, दे हैव अ पैडिंग ऑन द वर्चुअल एंड बॉटम सरफेस ऑफ द बोथ एंड हैंड्स एंड दैट अलाउ टू ग्रास्प बेटर, ठीक है। दे हैव ऑल्सो द राउंडेड स्कल विद अ लार्ज ब्रेन एंड देयर आईज एट द सेट ऑफ फॉरवर्ड फॉर द स्टेटोस्कोपी विजन विच अलाउ टू देम टू सी इन द थ्री डायमेंशन। इसमें क्या है आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जितने भी पिरामिड्स हैं सबके साइज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, छोटे में जैसे माउस एंड बड़े में जैसे गोलेगा, ठीक है। जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड्स हैं उनके डिफरेंट अपीयरेंस होता है, जैसे किसी के हेयर में, किसी का फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, कि डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। पिरामिड जो होते हैं वो क्वाइटली डिफरेंट होते हैं, बट दे हैव डू हैव अ लॉट इन कॉमन, जैसे हाथ लंबे पैर लंबे इन देन मोस्ट एनिमल्स में होता है, हाथ हैंड्स में जो है आपके हैंड में पैडिंग होती है जिससे वो ग्रैप करने के लिए उनको अलाउ रहता है, मतलब उनको इजी रहता है किसी भी चीज को पकड़ना। उनका राउंडेड स्कल होता है विद अ लार्ज ब्रेन, एक बहुत बड़े ब्रेन के साथ, आईज होती है एट द सेट ऑफ द फॉरवर्ड जिससे वो स्टेटोस्कोपिक विजन कर सकते हैं और वो अलाउ कर सकते हैं, देख सकते हैं 3D डायमेंशन में चीजों को, ठीक है। बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन, मोस्ट प्रिमिटिव लिव इन द ट्री, बहुत सारे प्रिमिटिव जो है वो पेड़ पौधों पे रहते हैं। सम आर द मोर एक्टिव ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे मोस्टली जो होते हैं वो एक्टिव है, सम ऑफ द एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, कुछ दिन में एक्टिव होते हैं और कुछ जो है वो नाइट में एक्टिव होते हैं। सम प्रिमिटिव डू लिव अलोन विच व्हाइल मोस्ट प्रिमिटिव हैपन टू द सोशल, ठीक है, कुछ अकेले रहते हैं, कुछ सोशली रहते हैं, मतलब सबके साथ रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज ऑफ प्रिमिटिव दे हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ मेल एंड द फीमेल, ठीक है। प्रिमिटिव फीमेल गिव बर्थ टू द न्यू यंग, जो प्रिमिटिव फीमेल्स होती हैं वो एक यंग वन को नए उसको बर्थ देती है, अनलाइक मोस्ट द एनिमल, है ना, एंड दे हैव अ लॉन्ग प्रेगनेंसी। द बेबीज आर यूजली बॉर्न विद ए फॉर आई ईयर एंड, इन सब के साथ वो बेबी जो होते हैं वो बोर्न होते हैं, बॉर्न होते हैं। द बेबी आर यूजली टेक केयर ऑफ बाय द मदर एज वेल एज नर्स फॉर द लॉन्ग टाइम, बेबी की जो टेक केयर है या तो उनकी मम्मा, कौन की टेक केयर कौन करता है, उनकी मदर या फिर नर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। प्रिमिट स्टेट टू ट्रेंड टू मेक ए लॉट ऑफ नॉइस दैट इज यूज टू इंटरेक्ट विद वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आवाज है। ईच साउंड इज फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। दे टेंड टू इंटरेक्ट सोशली और यूजली बाय ग्रूमिंग ऑन क्लीनिंग ईच अदर। Depending on the species, the grooming is done by the teeth, hand and the grooming tool. ठीक है, तो ये सारा क्या है आपका आता है classification में, ठीक है, ये सारी चीजें आती है आपकी classification of primates में। तो main जो आपका classification of primates है, आप ये chart जो है वो flow chart जो है आप इसको याद कर लेना, आपको easily सारी चीजें cover हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसी के basis पे पूरा आपका अभी तक का chapter था। इसको मैंने आप कहीं भी देखेंगे ये सारी चीजें हैं, इसके आगे आपको लिखना है तो वो चीजें आप पॉइंट पर पॉइंट लिख सकते हैं। ये ह्यूमंस सैपियंस का ऑर्डर में एक क्लासिफिकेशन है, देखो प्रिमिटिव ये ऑर्डर, तो जिसमें ह्यूमंस हैं, ऐप है, मंकी है, सारे हैं, सब ऑर्डर में ह्यूमन ऐप एंड मंकी है, ठीक है। इंफ्रा ऑर्डर आया ह्यूमन ऐप एंड मंकी,
सुपर फैमिली है ह्यूमन एंड ऑल ऐप, इसमें से मंकी भी चले गए, ठीक है। फैमिलीज में खाली ह्यूमंस रह गए और जो बहुत अच्छे अच्छे ऐप से हो रहे थे फैमिली में, ठीक है। जीन्स में खाली ह्यूमन मॉडर्न आपके और पुराने ह्यूमन रह गए, और स्पीशीज में खाली मॉडर्न ह्यूमन रह गए। तो आपका जो भी क्लासिफिकेशन होता है वो इस बेसिस पे होता है, ऑर्डर से, सब ऑर्डर से, इंफ्रा ऑर्डर, ठीक है, इंफ्रा ऑर्डर से सुपर फैमिली से फैमिली, फिर जीन्स, देन स्पीशीज। ठीक है, ये पूरा आपका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, प्रिमिट्स का। ये ऑर्डर रहेगा, मतलब ऑर्डर ये होता है क्लासिफिकेशन का, ऑर्डर, सब ऑर्डर, इंफ्रा ऑर्डर, सुपर फैमिली, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, इस तरह से चलता है, ठीक है। चलो, ये तो था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिमिट्स। प्रिमिट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अब आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। वैसे ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें भी बची हैं, ठीक है। बस आप क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीमिट्स के लिए जो है ये फ्लो चार्ट हमेशा याद रखिएगा, बहुत इजी है। इसको आप फर्स्टली अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप फ्लो चार्ट बनाइएगा, ठीक है। देन आप उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर लिखेगा, मतलब थ्योरी लिखेगा, पहले आप फ्लो चार्ट बनाइएगा, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाने से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के सामने, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है प्रीमिट्स पे तो फ्लो चार्ट तो आप जरूर ही बनाइएगा। देन आप उसके सारे फ्लो चार्ट के एक एक पार्ट को, फिर उनके फिजिकल अपीयरेंस और हर चीज के साथ उसके अलग क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको मैंने प्रिमिटिव का डेफिनेशन बताया, प्रिमिटोलॉजी बताया, कॉमन ट्रेट्स बताया, ठीक है, कॉमन ट्रेट्स के बाद फिजिकल अपीयरेंस बता दिया, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस के बाद यही फिजिकल आपका अपीयरेंस चल रहा है अभी, कैसा फिजिकल अपीयरेंस होता है, लार्ज ब्रेन होता है, बॉडी साइज से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पीनिस होता है, फीमेल जो होते हैं मोस्ट प्रिमिटिवली हैव टू उनके दो निपल प्रेजेंट होते हैं इन द चेस्ट, ठीक है। इसके बाद सोशल फीचर्स क्या क्या है, सोशल फीचर किस पे डिपेंड करते हैं, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बोला, अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से क्या चीजें सोशल फीचर्स में आती हैं। फिर डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिर आता है प्रिमिट एट अ प्ले, लर्निंग फ्रॉम द अदर। फिर मेन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिमिट, जिसके क्लासिफिकेशन के पूरे क्लासिफिकेशन है, जिसमें कितने मेंबर होते हैं, फीमेल डोमिनेटेड होते हैं, मेल डोमिनेट होते हैं, वो खाना कैसे खाते हैं, वो वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनके लोकोमोशन क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट मेंशन कर रखा है, ठीक है। ठीक है, ये सारे उनके ह्यूमन ट्रेट्स हैं, क्लासिफिकेशन, ये आपका मेन चीज है। तो ये प्रिमिट्स के जो उनके खुद के क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन है, ये वो चीजें हैं, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक आपका हम यहाँ यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को लाइक किया करिए, जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा लाइक करिए, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। वीडियो पे कमेंट करिए, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आपको नोट चाहिए, प्लीज आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, एनीवन जो जो इस चीज से रिलेट करता है, जो भी कोई स्टूडेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको इन सब चीज़ों की नीड है, नोट्स की है, इन सब्जेक्ट्स उसके पास हैं, तो प्लीज़ आप उसको शेयर करिए मेरी वीडियो की और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और अगर लिटरली किसी भी स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए करिए, जिससे मेरे को भी ईजी रहे आप लोगों को समझाना और मेरे को पता चले कि आपको किस तरह समझ में आता है और किस तरह नहीं समझ में आता, तो जिस हिसाब से हम अपना वे ऑफ टीचिंग भी अगर चेंज करना पड़े तो हमें वो भी करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को प्लीज मेरे को मैसेज करें, कमेंट करें, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स की जरूरत है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर
अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म करिए, जिससे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेती हूँ जिसपे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लिया करेंगे, और मैं आपको डेली के डेली नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे मुझे ये इजी रहेगा आप लोगों से पूछना भी कि नेक्स्ट डे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है या मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और जब हम पेपर सॉल्व करें तो इससे आपको बहुत ईजी रहेगा, जब भी मैं पेपर सॉल्व करने करवाऊंगी क्लास में, तो आपको ये पता होगा कि आज मैं पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ, तो आपको उस चीज से थोड़ा ईजी रह जाएगा कि हाँ हमने जो जो अभी तक पढ़ा है वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में आए। तो मेरी आप लोगों से प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, शेयर जरूर किया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। कमेंट करना तो जरूरी बनता ही है, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल हम जरूर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नई क्लास के साथ, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई अलग टॉपिक पढ़ना है तो अगर वो मुझे कमेंट करना चाहता है तो मेरे को कमेंट कर सकता है, मैं एक नया टॉपिक भी शुरू करवा दूंगी, ठीक है। बट अभी हम पहले चैप्टर का 1.5 जो है वो पूरा कंप्लीट करते हैं, देन फिर हम आगे का सोचेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 days लग जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इस कमिंग वीक में तो आपका ये चैप्टर इजीली कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए नॉलेज के साथ। ओके स्टूडेंट, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग करियर गोल वीडियोज़।